हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और आज मैं एकदम ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं ट्रेडिंग व्यू हैक्स के ऊपर। जी हां, आज के इस वीडियो में मैं आपको 8 ऐसे ट्रेडिंग व्यू हैक्स बताऊंगा जो कि आपने शायद पहले कभी नहीं देखे होंगे और ये आपकी ट्रेडिंग और चार्टिंग खास करके बहुत ही इम्प्रूव कर देगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने कैंडलस्टिक ट्रेडिंग की एक सीक्रेट टेक्निक शेयर की थी जहाँ पे हमने tradingview.com का कैंडलस्टिक एनालिसिस वाला इंडिकेटर यूज़ किया था जहाँ पे आप बहुत सारी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को ऑटोमेटिक आपके लिए ट्रेडिंग व्यू का एल्गोरिदम आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इससे आप कैंडलस्टिक रिवर्सल्स और कैंडलस्टिक कंटिन्यूएशन पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो मेरे उस वीडियो पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर और भी ज़्यादा वीडियोस बनाइए। तो आज के इस वीडियो में मैं 8 ऐसे ट्रेडिंग व्यू हैक्स कवर करूंगा जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। अब इसमें सबसे पहला हैक है वॉच लिस्ट का। सो आप अनलिमिटेड वॉच लिस्ट कैसे क्रिएट कर सकते हो ये मैं आपको बताऊंगा। तो आप tradingview.com पे आप वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको फ्री वर्जन में मैक्सिमम 3 वॉच लिस्ट ही क्रिएट करने मिलती है, लेकिन इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हैक है। अगर आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ वॉच लिस्ट चाहिए तो इसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको करना है कि आपका जीमेल आईडी यूज़ करके आप tradingview.com की साइट पर रजिस्टर कर लीजिए, तो आपको इनका फ्री वर्जन ईजिली एक्सेस करने मिल जाएगा और आप वॉच लिस्ट को सेव भी कर पाओगे। अब आपको यही सेम चीज़ आपके फ़ोन पे tradingview का ऐप डाउनलोड करके करनी है। आप tradingview का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ऐप में आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे ही आपने अपना tradingview का मोबाइल ऐप खोला और इसमें आपने अपनी लॉगिन डिटेल्स डाल दी, फिर आप वॉच लिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड नंबर ऑफ वॉच लिस्ट क्रिएट कर सकते हो और यही सेम वॉच लिस्ट आपके डेस्कटॉप वर्जन पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो यू हैव टू यूज़ द सेम आईडीज़ विच यू यूज़ ऑन डेस्कटॉप एज वेल एज मोबाइल और यहाँ पे फिर आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ वॉच लिस्ट मिल जाएंगी। तो ये सबसे बढ़िया एक हैक है रेगुलर ट्रेडिंग व्यू यूज़र्स के लिए। दूसरे हैक की बात करते हैं तो दूसरा हैक है क्रिएटिंग इंडेक्सेस। अब मार्केट्स में BSE और NSE में बहुत सारे इंडाइसेस आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाते हैं जिससे कि आप सेक्टोरल एनालिसिस काफ़ी इजीली कर सकते हो। तो जैसे कि FMCG, IT, फार्मा, ये सारे जो पॉपुलर और बड़े सेक्टर्स हैं उनके लिए तो BSE और NSE ने बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सारे इंडाइसेस बना के रखे हुए हैं, लेकिन छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है या फिर सब सेक्टर्स हैं जहाँ पर कोई इंडाइसेस या इंडेक्स अवेलेबल नहीं है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर, तो हाल ही के दिनों में शुगर सेक्टर में बहुत अच्छी तेज़ी देखने मिली है, लेकिन शुगर सेक्टर को ट्रैक करने के लिए कोई एक इंडेक्स नहीं है। तो आप बड़ी आसानी से एक इंडेक्स बना सकते हो। तो आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, tradingview.com की साइट पे जाना है, फुल डिटेल वाला चार्ट ओपन करना है और यहाँ पे आपको एक एक करके शुगर सेक्टर के स्टॉक्स का नाम डालते जाना है। तो यहाँ पे जैसे कि आप अब फिलहाल देख सकते हो, मैंने यहाँ पे बलरामपुर चीनी का यहाँ पे ऑलरेडी अपनी चार्टिंग विंडो में स्टॉक का नाम डाल के रखा हुआ था। अब आपको मान लीजिए कि एक और स्टॉक ऐड करना है अपने इस इंडेक्स में, तो आप कैसे करोगे? तो यू हैव टू ऐड प्लस ओवर हियर एंड यू हैव टू देन ऐड द शुगर, नेक्स्ट शुगर स्टॉक विच यू वांट टू ऐड इन दिस पर्टिकुलर इंडेक्स। तो मान लीजिए कि आपको धामपुर शुगर ऐड करना है, तो इट इज़ वेरी इजी, आपको धामपुर शुगर का कोड डालना है और इस पर एंटर दबा देना है। तो अब जो चार्ट बन के आएगा वो बलरामपुर चीनी प्लस धामपुर शुगर का कंबाइंड चार्ट होगा। तो इसे आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि दोनों स्टॉक्स ने मिला करके क्या किया है। तो वैसे ही आप जितने चाहो उतने यहाँ पे स्टॉक्स और ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक और स्टॉक ऐड कर देंगे विच इज़ द्वारकेश शुगर। तो बड़ी आसानी से आपको यहाँ पे उसका कोड मिल जाएगा, यू हैव टू जस्ट टाइप द होल कोड एंड सिलेक्ट द स्टॉक एंड प्रेस एंटर। तो यहाँ पे तीनों ही स्टॉक्स का एक कंबाइंड इंडेक्स बन जाएगा और आपके लिए ट्रैक करना बड़ा इजी हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से किसी भी अपनी चॉइस के स्पेसिफिक सेक्टर या सब सेक्टर या फिर इंडस्ट्री का एक इंडेक्स बना सकते हो और उसे इजीली ट्रैक कर सकते हो। तो हुआ ना ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा फीचर। तो अब तीसरे फीचर की बात करते हैं जो कि है हीट मैप। तो अब हीट मैप को यूज़ करने के लिए आपको tradingview.com के होम पेज पे जाना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो in.tradingview.com इज़ द होम पेज। आपको ये हीट मैप वाला फीचर यहाँ पे स्क्रीनर सेक्शन में मिल जाएगा। तो यू हैव टू टेक योर माउस ओवर स्क्रीनर और यहाँ पे आप स्टॉक हीट मैप पे क्लिक जैसे ही आप करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे S&P 500 का एक हीट मैप दिख जाता है। तो हीट मैप इज़ बेसिकली यूज्ड टू सी व्हाट द होल मार्केट और दैट पर्टिकुलर इंडेक्स हैज़ डन ऑन ए पर्टिकुलर डे।
तो यहाँ पे हम फिलहाल इसे S&P 500 से चेंज करके निफ्टी 50 में कर देता हूँ। तो आज के दिन पे निफ्टी 50 में लगभग सारे ही स्टॉक्स रेड में ट्रेड कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये पूरी की पूरी स्क्रीन रेड में नज़र आ रही है। तो आप इसे एनलार्ज कर सकते हो एंड यू कैन सी विच सेक्टर्स और विच स्पेसिफिक स्टॉक्स हैव डन वेल और वर्स। तो हम यहाँ पे 3% जो ग्रीन में है उन सबको डिससेलेक्ट कर देते हैं, ताकि जो रेड में जितने भी स्टॉक्स बंद हुए वो नज़र आ जाए आपको। तो एज़ यू कैन सी यहाँ पे हमने 3% से ज़्यादा गिरने वाले स्टॉक्स कौन से, तो HDFC बैंक, रिलायंस, तो ये सारे स्टॉक्स आपको दिख जाएंगे। अब जैसे ही ऊपर यहाँ पे आपको इंडस्ट्री भी दिख रही है, तो आप लेट्स सी इफ़ यू वांट टू डिग डीपर इनटू फाइनेंस, तो फाइनेंस में कौन से स्टॉक्स ने क्या किया ये आपको बड़ी इजीली मिल जाएगा। यू कैन क्लिक ओवर हियर, ऑल पे आप क्लिक करोगे तो आपको वापस बैक चले जाओगे एंड देन यू कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ द होल निफ्टी 50 इंडेक्स। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स भी आपको दे के रखे हुए, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हो और यू कैन इवन फिल्टर दीज इंडेक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दी वेरियस थिंग्स विच यू कैन सी आउट हियर। तो आपके पास यहाँ पे फिलहाल 3 ऑप्शंस है, ऑल इंडियन कंपनीज, S&P, BSE, सेंसेक्स और निफ्टी 50। तो यू कैन इवन क्लिक ऑन ऑल इंडियन कंपनीज और ये पूरे के पूरे मार्केट्स में क्या चल रहा है ये आपको बड़ी ईजिली दिखा देगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे एनर्जी एंड मिनरल्स पे जाओगे तो आपको सारे स्टॉक्स बेस्ड ऑन मार्केट कैप, फिलहाल हमने ये रखा है तो मार्केट कैप वाइज रिलायंस इज द बिगेस्ट एंड दैट्स वाई इट्स टेकिंग द बिगेस्ट स्पेस। तो वैसे ही आपको और भी ज़्यादा स्टॉक्स और सेक्टर्स दिख जाएंगे और आप ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ये टूल काफ़ी काम का हो सकता है, ताकि दे कैन आइडेंटिफाई इजीली एट वन ग्लांस के कहाँ कौन से सेक्टर में क्या चल रहा है और किस स्टॉक में मूवमेंट अपसाइड की है या डाउनसाइड की है। सो दिस इज़ अनदर ग्रेट यूज़ ऑफ TradingView.com। अब इसके बाद बात करते हैं चौथे सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग व्यू हैक के बारे में, जो कि है कर्व ट्रेंड लाइंस। तो कर्व ट्रेंड लाइंस के ऊपर हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए, लगभग 3 एपिसोड्स किए संकेत ठक्कर जी के साथ। कर्व ट्रेंड लाइंस आर एडवांस्ड वर्जन ऑफ ट्रेंड लाइंस और ये आपको ऐसे ऐसे अर्ली सिग्नल्स, एग्जिट और एंट्री सिग्नल्स दे सकता है जो कि नॉर्मल फ्लैट ट्रेंड लाइंस नहीं दे सकती। तो ये कर्व ट्रेंड लाइंस आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग व्यू में ही मिल रहे हैं फिलहाल के लिए। तो ये TradingView.com पर आप बड़ी इजीली कर्व ट्रेंड लाइंस प्लॉट कर सकते हो। तो कर्व ट्रेंड लाइंस को प्लॉट करने के लिए आपको फुल स्क्रीन चार्ट पे जाना है। आपको यहाँ पे जो तीसरा जो ऑप्शन है विच इज़ ज्योमेट्रिक शेप्स का, आपको इस पर क्लिक करना है एंड इफ़ यू स्क्रॉल डाउन तो आपको यहाँ पे कर्व दिख जाएगा। तो यही पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन, कर्व ट्रेंड लाइन को यूज़ करके हमने निफ्टी पर ये कर्व ट्रेंड लाइन प्लॉट की थी एंड मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था कि कर्व ट्रेंड लाइन ये वाली ब्रेक हो चुकी है, तो दिस इज़ अ कॉशियस साइन और नेगेटिव साइन फॉर द बुल्स। और उसके बाद हमने देखा है कि बाजार उसके बाद से एक डाउन ट्रेंड में ही रह गया। तो दिस कर्व ट्रेंड लाइन गिव अस एन अर्ली एग्जिट सिग्नल फ्रॉम द मार्केट्स। तो ये चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है TradingView.com का। इसके बाद पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग व्यू हैक है प्रोप्राइटरी स्ट्रैटेजीज़ का। तो प्रोप्राइटरी स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करने के लिए आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है और टेक्निकल्स में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो रेगुलर इंडिकेटर्स है वो नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा आपको साइड पर यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ नज़र आएगी। तो दीज आर ऑल द स्ट्रैटेजीज़ विच यू कैन फ्रीली यूज़ एंड इम्प्लीमेंट ऑन स्टॉक्स और इंडाइसिस। तो यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी, RSI स्ट्रैटेजी, मोमेंटम स्ट्रैटेजी, MACD स्ट्रैटेजी, तो बहुत सारी ढेरों स्ट्रैटेजीज़ हैं यहाँ पे जो कि आप फ्रीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने स्टॉक्स और इंडेक्स पे और देख सकते हो कि इन स्ट्रैटेजीज़ का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो दिस इज़ वंस अगेन अ वेरी गुड टूल विच यू कैन एक्सप्लोर। इसके बाद छठवा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग व्यू हैक है फंडामेंटल डेटा का। तो आप चार्ट्स पर फंडामेंटल डेटा भी प्लॉट कर सकते हो। तो टेक्निकल्स प्लस फंडामेंटल्स, ये दोनों ही चीज़ों को अगर आपको ट्रैक करनी है तो इसे ट्रैक करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टूल TradingView.com के पास है, जहाँ पे उन्होंने फंडामेंटल डेटा को भी ऐड करना शुरू कर दिया। तो लेट्स से यू वांट टू प्लॉट प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अलॉन्ग विद द प्राइस चार्ट ऑफ रिलायंस। तो आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, इंडिकेटर्स पे जाना है और यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करना है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो जैसे ही आप प्राइस टू अर्निंग्स टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रेशियोज नज़र आने लग जाएंगे। यू हैव टू सिलेक्ट द रेलिवेंट वन विच इन आर केस इज PE रेशियो। तो जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपको नीचे ब्लू बॉक्स, ब्लू लाइन में ये रेशियो प्लॉट होता हुआ नज़र आ रहा है। तो यू कैन ईजिली ट्रैक द प्राइस चार्ट अलॉन्ग विथ इट्स PE रेशियो। तो
ठीक इसी के जैसे अगर मान लीजिए आपको नेट प्रॉफिट्स ट्रैक करने हैं तो यू कैन टाइप नेट इनकम और यहाँ पे आपको रिलायंस की जो नेट इनकम है वो कितनी हो रही है, कितनी बढ़ रही है, ये भी आपको एवरी क्वार्टर नज़र आ जाएगा। सो दिस इज़ अगेन वेरी गुड इम्पॉर्टेंट टूल फॉर टेक्नोफंडा इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। तो प्राइस और अर्निंग्स में दोनों ही जगह पे ब्रेकआउट कैसे आ रहे हैं इसका बहुत ही अच्छी तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो प्राइस टू अर्निंग्स और नेट प्रॉफिट के अलावा भी बहुत सारे यहाँ पे फाइनेंशियल डेटा पॉइंट्स आपको tradingview.com पे मिल जाएंगे। तो इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करने के लिए आपको इंडिकेटर्स पे जाना है और फाइनेंशियल्स वाला टैब सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो और स्टैटिस्टिक्स, ये चार मेजर कैटेगरीज है जहाँ पे आप जो चाहे वो आप डेटा पॉइंट्स यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सो यू कैन यूज़ दिस पर्टिकुलर फीचर एज वेल टू एनालाइज स्टॉक्स फ्रॉम फंडामेंटल पर्सपेक्टिव इन ट्रेडिंग व्यू इटसेल्फ। फिर इसके बाद सातवां सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग व्यू हैक है इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स का। तो अगर आपको इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स जैसे कि फॉरेक्स रिजर्व्स या फिर इंटरेस्ट रेट्स अगर देखने हैं तो वो आप ट्रेडिंग व्यू में बड़ी इजीली देख सकते हो। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर आपको इंडिया का इंटरेस्ट रेट्स आइडेंटिफाई करना है क्या है या चार्ट कैसा है, लॉन्ग टर्म चार्ट कैसा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यू हैव टू टाइप इंडिया इंटरेस्ट रेट्स। तो जैसे ही आप इंडिया इंटरेस्ट टाइप करते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक सबसे पहला जो सर्च रिजल्ट दिखता है वो इंडिया इंटरेस्ट रेट का है। तो आप अगर उस पर क्लिक करोगे तो आपको इंडिया का जो ईयर 2000 से लेकर के अब तक रेपो रेट्स क्या रहे हैं वो यहाँ पे आपको इजीली देख सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड टूल्स टू एनालाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो आउटलुक अलॉन्ग विथ अ कंट्रीज इंडाइसिस। तो ये भी एक बड़ा अच्छा फीचर है जो कि आप यूज़ कर सकते हो। इसी के जैसे अगर मान लीजिए आपको इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स का डेटा अगर प्लॉट करना है तो यू कैन टाइप इन इंडिया फॉरेक्स रिजर्व्स और यहाँ पे नीचे आपको फॉरेक्स रिजर्व्स भी मिल जाएंगे। सो देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू विथ ट्रेडिंग व्यू विथ रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेटा एज वेल। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द कंपेरिजन टूल। तो मान लीजिए कि आपको कोई भी स्पेसिफिक डेटा पॉइंट को निफ्टी के साथ कंपेयर करना है या फिर किसी स्टॉक के साथ कंपेयर करना है तो वो भी आप बड़े इजीली कर सकते हो। तो मान लीजिए आपको इंटरेस्ट रेट्स को बैंक निफ्टी के साथ कंपेयर करना है और बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया, तो आपको सिंबल सर्च बॉक्स के पास में जो प्लस साइन है उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर बैंक निफ्टी लिखना है। तो जैसे ही आप बैंक निफ्टी टाइप करते हो आपको यहाँ पे दो नज़र आते हैं ऑप्शंस। वन फर्स्ट इज़ द बैंक निफ्टी स्पॉट रेट एंड द सेकंड वन इज़ फ्यूचर्स। तो वी विल कंपेयर इट विथ बैंक निफ्टी स्पॉट रेट और आप चाहो तो सेम परसेंटेज स्केल पे इसे कर सकते हो या फिर न्यू प्राइस स्केल पे कर सकते हो या फिर न्यू पैनल पे कर सकते हो। तो यू कैन ईजिली कंपेयर इट इन डिफरेंट स्टाइल्स। तो आपको बैंक निफ्टी का भी यहाँ पे चार्ट नज़र आ जाएगा। यू कैन कंपेयर इट ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस और इवन ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस है tradingview.com को यूज़ करने के लिए। आप फंडामेंटल इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हो और देख सकते हो कि कैसे ये वेरियस इंडाइसेस और स्टॉक्स को इम्पैक्ट करता है। तो आज का ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो और भी ज़्यादा ट्रेडिंग व्यू यूज़र्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इन सारे हैक्स का बेनिफिट ले सके। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।